पुलिस अधीक्षक रतलाम गौरव तिवारी द्वारा जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान से नो टू ड्रग्स के अंतर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर इंद्रजीत बाकलवार व SDOP जावरा DR माले के मार्गदर्शन में जावरा मंदसौर फोर लेन रोड कलालिया फाटे पर वाहन चेकिंग की जा रही है। इस दौरान मुखबिर की सूचना पर आरोपी दीपक रेखवार पिता नंदलाल रेखवार जगदीश पिता भवरलाल द्वारा मारुति 800 के अवैध मादक पदार्थ 5 किलो 800 ग्राम गांजा कीमत लगभग 30,000 रुपये का उज्जैन से मनासा नीमच की ओर ले जाते हुए बरामद कर दक्षे एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ के दौरान आरोपी दीपक रेखवार ने बताया कि वहां मानसा के गांजे की पुड़िया बनाकर बेचने का धंधा करता है और जब तक गांजा उज्जैन के खरीद कर बेचने हेतु लेकर जाना बताया है। रतलाम से संवाददाता की रिपोर्ट। हमारे आदर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है पूरे जिले भर में से टू नो ड्रग अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत कल शाम को थाना प्रभारी रिंगनोद गिरीश जेजूकर के नेतृत्व में थाना चौकी प्रभारी ढोंडर अनुराग यादव और उनकी टीम के द्वारा महू नीमच हाईवे पर कलालिया फंटे पर 5 किलो 800 ग्राम गांजा जब्त किया है और इस मामले में दो आरोपी जगदीश माली और दीपक रेखवार जो कि मनासा के रहने वाले हैं उनको गिरफ्तार किया है। कितने कीमत होगी सर? प्रारंभिक पूछताछ में इनने जो है उज्जैन से खरीदना बताया है और मनासा लेकर जा रहे थे। इसमें जो आरोपी जो है जगदीश माली ये मनासा में इसकी पता चला है कि पुड़िया बनाकर गांजे की पुड़िया छोटे छोटे रूप में बेचता है। ठीक सर, हो गया, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।